राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। साहित्य रत्न एमए छंदाचार्य भारत श्री विद्यावाचस्पति पंडित श्री राम सेवक पाठक हरि किंकर जी ने जो हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा की महानतम विभूति अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज के शिष्य हैं उनकी यह 19वीं कृति जगत जननी माँ जानकी खंड काव्य मूल का सुर वध इसको आपने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। इसके पहले श्रीमद् भागवत रसामृत ये जो ग्रंथ है ये भी बहुत सुंदर हम इसको एक बार देख चुके हैं, बहुत सुंदर आपने लिखा है। इस जगत जननी माँ जानकी नामक इस खंड काव्य में आपने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अभी तो मैंने इसको देखा ही नहीं, सरसरी दृष्टि से थोड़ा सा देखा है। तो इसमें आपने बड़े प्रांजल और सहज प्रवाह रूप शैली में श्री रामचरित्र के मूल को प्रस्तुत करते हुए रावण वध लंका विजय पूर्वक श्री राम जी का राज्याभिषेक और श्री राम राज्य की विशेषता इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और इसके साथ ही भगवती जगत जननी श्री जानकी जी की गरिमा महिमा को प्रकट करने वाला एक बड़ा दिव्य इतिहास जो कंब रामायण के आधार पर लिखा हुआ है उसको आपने लिखा है कि कुंभकर्ण का पुत्र मूल कासुर जो अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण जंगल में ज्योतिषियों के कहने से फेंक दिया गया था और उसे काष्ठ समझ करके कोई स्थूण समझ करके स्थंडिल कुछ प्रदेश समझ करके मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया और मधु के शहद से ही वह पोषित होने लगा। तप करके उसने अनुपम शक्ति प्राप्त की और उसे जब पता चला कि लंका में सर्वनाश हो गया, हमारे पिता कुंभकर्ण का भी वध हो गया, रावण का भी वध हो गया और ये सब लंका का विनाश राक्षसों पर संकट हमारे चाचा विभीषण के कारण ही आया, घर का भेदी लंका ढाए। उसने कहा मैं अपने चाचा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने तमाम आसुरी शक्ति को एकत्रित किया और राक्षसों की बहुत भारी सेना को लेकर के लंका पर उसने चढ़ाई की। विभीषण इस बात को जानते थे कि मूलकासुर का वध किसी भी पुरुष वीर के द्वारा संभव नहीं है, ये विभीषण इस रहस्य को जानते थे। विभीषण कोई कमजोर नहीं थे, अतिरथी महाबली महावीर योद्धा थे, किंतु कुशल चतुर बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने विचार किया कि जब वध किसी पुरुष मात्र से इसका वध ही संभव नहीं है तो हमारा उद्योग ही व्यर्थ है, क्यों न पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में प्रार्थना की जाए। और आर्त भाव से विभीषण ने प्रार्थना की, प्रार्थना की तो भगवान श्री राम ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्वीकार करके राम जी ने कहा कि यहां पंडित श्री राम सेवक जी ने लिखा है हाथ जोड़कर कहा राम से रक्षा कीजिए मेरी लंका गई हाथ से मेरे करो नहीं अब देरी। बोले राम मित्र बतलाओ किसने तुम्हें सताया नहीं जानता क्या वह मुझको लंका पर चढ़ाया।
प्रभु को तब उसने बतलाया, भ्रातज मूलक मेरा, भ्रातज माने भतीजा, कुंभकर्ण का जो है बेटा लंका जिसने घेरा, जन्मा था वह अभुक्त मूल में, अशुभ चिन्ह थे तन में, मात पिता ने मूलक कहकर फेंका उसे विपिन में। उस पर बैठी मधु मक्खियां तन को काश समझकर छत्ता बना लिया, उस पर ही पोषित भा मधु पीकर, कुंभकर्ण का यह बेटा ही बड़ा हुआ कुछ दिन में, अपने कुल की सुनी पराजय क्षोभ हुआ तिहि मन में, भड़क उछी ज्वाला बदले की उसने संकल्प किया, मेरे काका दुष्ट भीषण ने यह परिणाम दिया, काका ही असली रूप मेरा उसको सीख सिखाऊं, रोक न पाए कोई मुझको यमपुर शीघ्र पठाऊं। तो महाराज इस प्रकार से ये मूलकासुर ने उपद्रव किया है। भगवान श्री राम ने यह सुन प्रभु तब क्रोधित होकर सेना ले उत आए, उधर मूलकासुर के संग में भिड़ने निश्चर धाए। युद्ध हुआ तब 7 दिनों तक हार न मानी उसने, 7 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ पर मूलकासुर की हार नहीं हुई। किया स्वयं ही युद्ध राम ने मरा नहीं अभिमानी, राम जी के युद्ध करने पर भी मरा नहीं। तब ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा, राम अब सुनिए, शाप दिया था उसको मुनि ने, अतः बात यह गुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रकट होकर के कहा कि प्रभु श्री राम आपके हाथ से इसका वध संभव नहीं है, क्योंकि इसने जब अपने राक्षसों के वंश का विनाश सुना सीता के कारण, तो सीता जी के लिए अपशब्द कहा था, चंडी कहकर के सीता को अपमानित किया था। उस समय समर्थ मुनि ने शाप दिया था कि जिस भगवती जगत जननी श्री बात्सल्यमयी करुणामयी श्री जानकी जी की तुमने निंदा की है, जिन्हें चंडी कहा है, वही भगवती श्री सीता चंडी बनकर तेरा संहार करेंगी। तो मुनि ने शाप दिया है, इसलिए जानकी जी के द्वारा ही इसका संहार संभव है। सीता को चंडी कह इसने एक दिन अपमान किया, मारेंगी तुझको माँ सीता, मुनि ने तब शाप दिया, अतः बुलाओ वैद्य ही को, तब बध होगा उसका, मारेंगे वे ही अब उसको, मान घटाया जिसका। अब श्री अयोध्या से दिव्य विमान में बैठ करके लंका जी आई, गई सूचना अवध धाम, तब सीता लंका आई, रूप बनाया चंडी का ही, क्रोधित मारन धाई। सीता को देख करके वह गरजा और बोला, हम नारी से युद्ध नहीं करेंगे। तब सीता जी ने कहा कि नारी से युद्ध तो नहीं करेगा, पर तुमने हमको चंडी कहा, चंडी तो असुरों का संहार करने के लिए ही प्रकट होती है, इसलिए अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो भगवती श्री जानकी जी ने ही भगवती महाचंडिका का रूप धारण करके और उस दुष्ट से युद्ध किया, और चंडिकास्त्र छोड़ा वैदे ही शीश गरा भू जाकर, हाहाकार मची लंका में खबर मृत्यु की पाकर। चंडिकास्त्र नामक दिव्य अस्त्र से भगवती सीता ने उस मूलकासुर का वध किया। जय जयकार हुई सीता की, देव सुमन बरसाए, राज विभीषण ने फिर पाया, सभी अवध फिर आए। बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे ढंग से कविवर पाठक जी ने इसका वर्णन किया है, और इसकी फलश्रुति भी उन्होंने 70वें छंद में लिखी है। कथा पढ़ेगा जो सीता की, कष्ट दूर भागेंगे, पूर्ण मनोरथ होंगे मन के, सदा भाग्य जागेंगे। माँ सीता का स्वसलिख हुआ आज में धन्य, हरि किंकर कीजे दया, जग रह सुखी अनन्य। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता